हिमाचल में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर खूब भड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने जनता को समझाया कि 5 साल पहले ही हिमाचल से कांग्रेस को निकाल दिया गया और अब उसे वापस लौटने नहीं देना है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। भाजपा ने राजनीति में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। आज भाजपा की पहचान सुशासन से है, गरीब के कल्याण वाली नीतियों से। भाजप वही बातें कहती है जो कर सकती है और जो कहती है उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वही कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं, इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता रहता है। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया है। भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर वापस आई। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारें कई कई बार सरकार में वापस आई है। अब तो इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बीजेपी को ही दोबारा बिठाया। यूपी में भी 40 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी फिर से जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सरकार में वापस आई। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार फिर से आकर के एक नया इतिहास बन गया है। अब इस स्थिति की तुलना आप जरा कांग्रेस से करिए, आपको हैरानी हो जाएंगी। इस तरफ नजर करेंगे जरा सोच करके, कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। अब देखिए तमिलनाडु में वहां के लोगों ने करीब 60 साल पहले वहां से कांग्रेस को निकाला, अब तक वापस नहीं आई। 60 साल हो गए, घुसने नहीं देते। ये पश्चिम बंगाल देखिए, त्रिपुरा देखिए, वहां के लोगों ने 50 साल हो गए कांग्रेस को हटाया, 50 साल पहले, 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को करीब करीब 40 साल से सत्ता के बाहर करके रखा हुआ है। कितना गुस्सा होगा आप अंदाज कीजिए। उड़ीसा के लोगों ने भी कांग्रेस को करीब करीब 30 साल से सरकार में आने से रोक रखा है। नागालैंड में भी कांग्रेस करीब करीब 25 साल से लगातार चुनाव हार रही है। आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार